हे गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। सो गाइस, जैसे कि मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने पूछा था कि एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस के बारे में, तो 99% लोगों ने ये बोला कि दोनों साइड का शेयर करो। बस एक कमेंट आया था इसमें, उन ब्रदर ने बना कर दिया था, बट लेकिन सब ने हाँ बोला है कि दोनों शेयर करो, उससे क्या उनको आपका एक्सपीरियंस मिलता है। तो अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 3 से 4 एक्सेप्टेंस है और लाइक 9 to 10 रिजेक्शन है, तो मैं डे बाई डे शेयर करता हूँ। उससे पहले कल एक वीडियो आने वाली है, उसको आप पूरा देखना क्योंकि वो आपको हेल्प करेगी, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि प्रोसेस कैसे होता है, इसका बेसिक प्रोसेस क्या होता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने पूरा बताया है। उसमें कितना आपके बजट क्या है, आपको कितना पैसा लगने वाला है, आपका कितना खर्चा आएगा, इवन आपके वहाँ जाकर आपका अकोमोडेशन, आपके एक्सपेंसेस, आपके फ्लाइट टिकट्स, सर्विस फी, ट्यूशन फीस, एवरीथिंग मैंने एक्सप्लेन करी है। तो उस वीडियो को देखोगे ना तो आपको पूरा एक अंदाजा लग जाएगा कि आपका इतना खर्चा तो आएगा। जैसे मान लो आप यूएस के लिए अप्लाई करने वाले हो, अब आप देखते हो कि मेरा कितना खर्चा आएगा, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो बेसिक खर्चे कि हमको स्टार्टिंग में इतना तो पे करना ही करना है सब जगह, तो वो मैं पूरा एक्सप्लेन कराया कल वाली वीडियो में। तो कल वो वीडियो जरूर देखना, बहुत हेल्प करेगी। अब जैसे कि मैं एक्सेप्टेंस तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा, अभी एक रिजेक्शन है तो मैं इनके बारे में बताता हूँ। आई एम दीक्षु फ्रॉम हरियाणा। आई रिसेंटली रिफ्यूज फ्रॉम अमेरिका फ्रॉम यंग अमेरिकन लेडी इन दिल्ली ऑन 4th of December 2023। आई बिलोंग फ्रॉम कंप्यूटर साइंस प्रोफाइल एंड आई वॉन्ट टू परस्यू माई बैचलर्स फ्रॉम यूएसए। द लेडी जस्ट ओनली आस्क मी अ क्वेश्चन, वाई मुरे स्टेट यूनिवर्सिटी? आई आंसर्ड, बिकॉज दिस यूनिवर्सिटी इज रिकमेंडेड बाय माई कजिन ब्रदर एंड ही कंप्लीटेड हिज बैचलर्स फ्रॉम सेम यूनिवर्सिटी एंड नाउ इज वर्किंग इन माई ड्रीम डेस्टिनेशन इन इंडिया। If your dream destination is here, why you want to go there? I replied, because there is too much crowd in job lines and US degree is most available in my dream destination, and that is why I want to pursue this degree from USA. That's all. And last she replied, best of luck for next time, for your time. तो बस इनके साथ ये हुआ। अब देखो, इन्होंने खुद ने रिसर्च नहीं करी, इन्होंने किसी के रिकमेंडेशन पे बस अप्लाई कर दिया। एंड फिर उन्होंने, जैसे क्या होता है कि आप खुद ही फंसते हो जब कोई ऐसी चीज़ें ऑप्शन देते हो ना कि आपसे और क्वेश्चनिंग की जाए, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाए, तो आप कुछ ऐसे आंसर्स देते हो ना, तो उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। यही मेरा रीज़न है रिफ्यूजल्स और एक्सेप्टेंस शेयर करने का, कि आपको पता लगे कि आपको क्या अवॉइड करना है। अब इन आंसर्स से हमको पता लग जाएगा, जैसे आप मान लो जिन ये वीडियो देखने जा रहे हो और जिनका इंटरव्यू है और किसी का कुछ ऐसा है कि आप किसी की रिकमेंडेशन के हिसाब से यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हो, तो आप चेंज कर लोगे। सो ऐसे रिफ्यूजल्स एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है। यही मेरा रीज़न है शेयर करने का कि आपको क्या अवॉइड करना है। अभी इससे डिमोटिवेशन देने का कोई मोटिव नहीं है मेरा, कि आप देखो ये जो आंसर्स हैं इनको आपको ऐसे आंसर्स आपको अवॉइड करने हैं, कि आप कंसल्टेंसी का या एजेंट का या ब्रदर या फ्रेंड किसी का नाम नहीं लेना। आपकी खुद की रिसर्च दिखानी चाहिए कि मैंने खुद ने रिसर्च करी मेरे अकॉर्डिंग, और मैंने कंट्रीज भी रिसर्च करी, मैंने यूनिवर्सिटीज भी रिसर्च करी, फिर मैंने यूएस फाइनल किया, यूएस में मैंने ये यूनिवर्सिटी फाइनल करी मेरे कोर्स के अकॉर्डिंग और मेरे फ्यूचर एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है। तो आप ऐसे बताओ, अगर आप बोल दो किसी ने बोला मैं चल दिया उठ के, तो वो तो फिर आपको बताइए, फिर तो ऐसा नोट डालते हैं कि आप 10 बार भी ट्राई कर लो आपका एक्सेप्टेंस होना नामुमकिन है। सो गाइस, दिस इज द रीजन मैं ये शेयर करता हूँ। और भी अगर आपको कोई क्वारी है, कोई बात करनी है कोई भी किसी चीज़ से रिलेटेड, अभी बहुत सारे रिफ्यूजल केसेस भी आए हैं, एक्सेप्टेंस केसेस भी आए हैं, एंड मैं सबसे यही बोलूँगा कि जिन जिनके पास एक्सेप्टेंस है और रिफ्यूजल्स, आप मुझे शेयर करो, मैं ऑडियंस तक पहुँचाऊंगा, जिससे सबको एक एक्सपीरियंस मिल जाए, और विद आंसर्स भी करो, सबको पता लगे आपने क्या आंसर किए हैं और आपका क्यों रिफ्यूज हुआ है, ठीक है। एंड बस यही एक एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर देना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।